अरे ये एक प्रैंक था, दिमागदार गर्ल है। हाँ ये रोने लगी सच में, सहज चुप करा यार। इसका नाम है आर्ट्स उठानी पड़ती है कॉलेज में और आधार कार्ड नहीं बनाना मेरे पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। फिलहाल ड्राइविंग करते हुए कभी भी व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, मगर हम लोग सुधरते कहाँ हैं यार। गाइस मेरे साथ है अभी कजन्स मेरी। सो हाय गाइस, मैं सहर हूँ और ये अयाज दार है। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रही हूँ, तो आपने मुझे शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। देखा है 3-4 व्लॉग्स में हमेशा मेरी गाइस। आपने इसको पहले कभी नहीं देखा है, बस एक बार देखा है जब ये स्टेज पे जाके परफॉर्म करती है। हाँ तो वो बिल्कुल आप सही सोच रही है, वो मैं ही थी, ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं हो सकती है। तो ये हमारे साथ बनी अयाज दार जो की गाड़ी चला रही है। तो गाइस कंटिन्यू व्लॉग देखते रहो, व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, साथ ही यार लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जिसको शर्म होगी वो लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, कमेंट भी करेगा। ओके नहीं हां वो नहीं करेगा, जैसे कि आप नहीं कर रहे हो ना, चेक करो। हां रियलिटी है गाइस, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल। हां और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, वीडियोस कैसे कैसे होगा, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। प्लीज जाके वीडियो को लाइक करो। देखो लास्ट वीडियो मैंने देखी वहां पे जाके स्टूडियो में 30% ऐसे सब्सक्राइब। हां और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? प्लीज ऐसा मत करो, हमें बहुत दुख पहुंचता है। हो गया बोलो ना यार। मैं क्या बोलूं, तुम बोले ही नहीं दे रहे हो कुछ। हाँ तो मैं इनको नहीं बोलने दे रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है मतलब क्या बोल रही हूँ ना। बोल गाइस ये लाइन ही बोल गई है ना यार। तो गाइस इनके साथ एक बहुत अच्छा प्रैंक होने जा रहा है, तो कंटिन्यू व्लॉग को देखो, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। गाइस ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ ही प्रैंक इनके साथ मैं करने वाली हूँ। आप लोग जुड़े रहो और मेरी खूबसूरत शक्ल को देखते रहो, मैं इनके साथ क्या प्रैंक करती हूँ, इनका रिएक्शन देखना क्या होगा देखने वालों को। तो अभी फिलहाल हम वापस के लिए घर जा रहे हैं, हम पार्टी करने के लिए आए हुए थे, हम वापस घर जा रहे हैं। तो भैया ने हमें कश्मीरी सेब खिलाया, तो बस अभी वो भी मैंने खाया नहीं, हमें खाना है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, मिलते हैं घर जाने के बाद। अब मैंने बकवास तो बहुत कही है, मुझे लगता नहीं है अयाज भैया ये सब कुछ डालेंगे, सब कुछ कट कर देंगे, लेकिन चलो मैं अपने दिल को दिलासा देने के लिए फिर भी बोलती जा रही हूँ। फिर हम अयाज भैया के साथ प्रैंक करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक लड़की से मिलवाया ही नहीं, जो ये है आरजू डार, मैं इसका इंट्रोडक्शन खुद करवा देती हूँ। इसका नाम है आरजू डार, ये पढ़ती है कॉलेज में और इसकी एज है 18 साल। तो बस और मैं आपको मिलाती हूँ एक बंदे से जो मेरे व्लॉग में पहली बार आ रहा है, जिसका नाम है अयाज डार और इसकी एज है 23। इसके लिए लड़की नहीं मिल रही है, प्लीज इसको लड़की ढूंढ के दो। और हम अभी इनसे शादी करवाने वाले हैं बहुत जल्द, तो इनके निकाह में आप सबको इनवाइट किया जाएगा। मैं स्पेशली शॉर्ट्स डाल दूंगी, जिस को आना है प्लीज आना, अगले संडे को इनकी शादी है, तो प्लीज एड्रेस है सुजमा, आप प्लीज पहुँच जाना। तो बस थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए बाय बाय, मुझे उम्मीद है आप 1 मिलियन लाइक्स कर दोगे, तो प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ना, 1 मिलियन लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। A few minutes later. तो फाइनली गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं वापस। तो हमारा प्लान ये है कि हम अभी सहर को तंग करने वाले हैं, जो अब तक बातें करी थी और उसने बातें कर करके ना हमारा दिमाग ख़त्म कर दिया है। तो अभी हमारा प्लान ये है, वो अभी नीचे रूम में आराम कर रही है, तो अभी मैं आरजू को भेजूंगा, वो जाके उसको बुलाएगी कि अयाज भाई आपको बुला रहे हैं। और जैसे ही वो ऊपर आती है तो देखो उसके साथ प्रैंक क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं पता है। वैसे प्रैंक क्या करेंगे हम उसके साथ, आज उसको थोड़ा नहलाते हैं। देखो कैसी बहन है, बहन बहन की वो कर नहीं सकी, मतलब कि उसकी वो कर रही है बुराई कर रही है, नहाती बहुत नहीं है, पूरे घर में स्मेल हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा। तो गाइज उसको आज हम पहले उसको अच्छे से नहलाते हैं, तो देखो हम किस तरह से नहलाते हैं। तो जाओ तुम अपनी बहन को बुला के लाओ, मैंने उसको बोलना है कि भैया आपको बुला रहे, कुछ काम है। पहले वो पानी का जग तो ला के दो, मैं लेके यहीं पे देना, यहीं पे। तो गाइज देखो हमारा प्रैंक स्टार्ट हो रहा है। पूरा फेस पे ही पड़ेगा, टेंशन नहीं है, बस कर रोएगी इतना पानी देके, फिर मना भी लेंगे, कोई मसला नहीं। गाइस हम उसको मनाएंगे भी। ओके ठीक है, मैं जाओ। हाँ जाओ। तो गाइस हमने ये यहाँ पे जग छुपा के रखा है और आरजू जा रही है अभी बहन को बुलाने के लिए। जब भी वो आती है ऊपर और देखो उसके साथ प्रैंक क्या होता है, जल्दी जाओ। A few minutes later. तो गाइज हमारा प्लान ये है कि मेरा और आरजू का प्लान है कि हम प्रैंक इस पे करेंगे, बट हम दोनों की ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है प्रैंक उस पे होगा, तो वो चीज़ उसको नहीं पता है। तो देखो आगे कितना मजा आता है, रिएक्शन देखते हैं वो मुझे कितने प्यार से लेकर आती है, कैसे कैसे लेकर आती है और प्रैंक कैसे उस पे भारी पड़ता है। ओके गाइज कंटिन्यू वॉच। 2000 years later.
यार कितना टाइम लगाते हो आने में, जल्दी आओ ना यार। फोन तो दिखा, रुक रुक रुक, एक फोन दिखा। बात सुनो, इधर आओ, एक सरप्राइज दूंगा। निकली मुझे हंसी से तो शैतानी पता चल रही थी, फिर भी ये गाइस 3-4 दिन से नहाई नहीं थी, इसको हमने नहला दिया। इसने पूरा जग भर के रखा था, कह रही थी यार उसने वैसे भी नहाया नहीं, आज इसका पूरा मुंह पे पानी पड़ा। मैंने तो अभी हाफ किया था जग, मैंने फोन नहीं रखा, मुझे पता ही रोने लग गया। नहीं छोड़ो, ये कौन सी बात होती है, अभी तक हम इसके साथ प्रैंक करने वाले तब तो आप रेडी थे ना, एकदम रेडी थे। मेरे को बताया था, जाओ यार दोनों एक जगह। क्या हुआ दिमागदार रोने लगी सच में, सहज चुप करा यार। तो ये रो रही, पता क्यों है इसका, ये बिल्कुल फ्रेश दुपट्टा था और ये भी मस्सा फर्स्ट टाइम इसने लिया था, सर पे लिया था और हमने इसका सत्यानाश कर दिया। गलत बात है ना, ये ऐसे थोड़ी करते हैं, इसको बताना होता है ना। बता के कौन सा प्रैंक होता है, आया अगर बहन के साथ प्रैंक होता वो चलता है, इसके साथ छोटी है ना, मैं बड़ी ये छोटी है। So sad guys, बहुत गंदा प्रैंक हो चुका है इसके साथ और इसका मूड खराब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इनको स्पेशल चैनल बनाना पड़ेगा इनको रोस्ट करने के लिए। तो मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं भी मतलब मैं व्लॉग्स वगैरह मैं भी बनाती हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पे। हमें उससे क्या, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देगा यार सर, अगर इसको जरा सी शर्म होगी, नहीं होगी तो वो इनकी बात है, इनकी और इनकी शर्म का मामला है। इसको कर दू, ये न्यू ट्रेंड है। ओके, कौन कहता है मैं छोटी हूँ, गाइस ये अभी भी छोटी है, देखो गाइस ये भी छोटी है, चेयर पे चढ़ के भी देखो 4 फुट की। साइलेंस, चेयर क्यों दिखाई साइड। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, ऐसे ही हम हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो, हमारी नई नई वीडियोस देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भैया के चैनल को बहुत सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा इतने कमाने में मैं कहां पहुंच गई। गाइस अभी व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, बस मैं यहाँ इस घर से जा रहा हूँ अभी, इनको बाय बाय सी। अभी क्या करें, हमारी नौकरी लग चुकी है भाई, आजकल हम जॉब कर रहे हैं, फ्यूचर इंजीनियर है बट संभाल रहे हैं। तो अभी का व्लॉग यहीं पर एंड हो रहा है, मतलब मैं यहाँ मैं भैया के व्लॉग में अभी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मेरी तरफ से आप लोगों को बाय बाय, यहाँ से आगे व्लॉग मत देखना, यहाँ से व्लॉग बहुत बोरिंग होने वाला है, तो बाय बाय, मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी आके आप लोगों को बहुत मारूंगी, बाय। Okay, bye. Okay, bye. Take care. Khuda hafiz.